हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि श्रावण पूर्णिमा जिस दिन रक्षाबंधन है वो 2018 में जो पड़ता है उसका महत्व क्या है, इसका व्रत और पूजन विधि भी हम आपको बताएंगे। तो 2018 में श्रावण की जो पूर्णिमा है, शुरू तो 25 अगस्त को ही हो जाती है पर बेसिकली उसे 26 तारीख को ही मनाया जाएगा, तो उसकी का जो महत्व है वो हम आपको बताने जाएंगे। देखिए वैसे तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है पर श्रावण पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्र वर्ष के प्रत्येक माह का नामकरण इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा की स्थिति के आधार पर हुआ है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, सभी नक्षत्र चंद्रमा की पत्नी माने जाते हैं, इन्हीं में से एक है श्रवण। तो मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में गोचर रथ होता है, इसलिए पूर्णिमांत मास का नाम श्रावण रखा गया है और यह पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा कहलाती है। तो चलिए हम आपको उसी पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहे हैं। श्रावण पूर्णिमा की अपनी अलग विशेषता है। इस दिन देश भर में विशेषकर उत्तर भारत में रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। यही तिथि दक्षिण में नारियल पूर्णिमा और अवनी अवितम के रूप में मनाई जाती है। मध्य भारत में इसे कजरी पूर्णिमा, तो गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन कुछ क्षेत्रों में यज्ञोपवीत पूजन और उपनयन संस्कार करने का भी विधान है। जप तप दान दक्षिणा के लिए यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन अमरनाथ यात्रा का समापन भी होता है। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए भी यह तिथि श्रेष्ठ मानी जाती है। अब व्रत और पूजन विधि हम आपको बता देते हैं। श्रावण मास के पुण्य पर वैसे तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्वों के अनुसार पूजा विधियां भी भिन्न होती है, लेकिन चूंकि इस दिन रक्षा सूत्र बांधने या बंधवाने की परंपरा है तो उसके लिए लाल या पीले रेशमी वस्त्र में सरसों अक्षत रखकर उसे लाल धागे मतलब मौली या कच्चा सूत हो तो बेहतर है उसमें बांधकर पानी में सींचकर तांबे के बर्तन में रखें। भगवान विष्णु भगवान शिव सहित देवी देवताओं कुल देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण से अपने हाथ पर पोटली का रक्षा सूत्र बनवाना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। साथ ही इस दिन वेदों का अध्ययन करने की परंपरा भी है, तो इस पूर्णिमा को देव ऋषि पितर आदि के लिए तर्पण भी करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि के पश्चात गाय को चारा डालना, चींटी मछलियों को भी आटा डालना, चिड़ियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से यदि पूर्णिमा व्रत का पालन किया जाए तो वर्ष भर वैदिक कर्म न करने की भूल भी माफ हो जाती है। मान्यता यह भी है कि वर्ष भर के व्रतों के समान फल श्रावणी पूर्णिमा के व्रत से मिलता है। तो पहले कि मैं वीडियो में हालांकि मैं वक्त बता चुका हूं कि जो सबसे अच्छा वक्त है रक्षाबंधन बांधने का वो कब है, तो हम चाहेंगे कि उस वीडियो को आप जरूर देखिए जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि राखी बनवाने का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, पर वो 26 अगस्त को है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।